प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रधानमंत्री के हाथों होने वाले लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन आ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उज्जैन वासियों के लिए भी गौरव का विषय है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बाबा महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे। वी डी शर्मा ने कहा, सौभाग्य की बात है कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इतने पुनीत और महत्वपूर्ण कार्य में सहभागिता करने का ये अवसर हम सबको अपने पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, महाकाल लोक का लोकार्पण कोई सामान्य घटना नहीं है, ये सांस्कृतिक धार्मिक अभ्युदय का समय है। हम सभी बाबा महाकाल के ऋणी हैं जो उनकी कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। काशी और केदारनाथ के बाद राम मंदिर का निर्माण तथा उसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण कोई सामान्य घटना नहीं है, ये हमारे नेतृत्व की इच्छा शक्ति के कारण ही हो रहा है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि ये काम हो रहा है और सरकार के मंत्रियों से लेकर सभी लोग इस कार्य में लगे हैं। पूरे देश के लोग महाकाल की भव्यता को देखेंगे। करने का प्रयास हम सब कार्यकर्ताओं के बल पर हुए और हर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर क्या है हर मंडल के। शर्मा ने कहा कि महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह के लिए 1,00,000 से अधिक लोगों को आमंत्रण दिया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए हर घर दीपक में जलाने का कार्य होगा। प्रदेश के सभी 64,634 बूथों पर दीपक जलाए जाएंगे। सभी 1,070 मंडलों में LED स्क्रीन लगाकर समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। भजन कीर्तन और संतों का सम्मान होगा। उन्होंने कहा, पूरे मध्य प्रदेश में हर एक कोना इस कार्यक्रम को देखेगा। चंबल नर्मदा नदी सहित 170 पवित्र स्थानों से जल लाया जाएगा। उज्जैन में पूरा वातावरण महाकालमय हो गया है और ये संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उज्जैन वासियों के कंधों पर भी है। बाबा महाकाल ही हमें इस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।